हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोया मलाई चाप की रेसिपी। ये देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उतने ही डिलीशियस है। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है ये सोया चाप जो टिन में आता है, मैंने उसको यूज़ किया है। और ये है 4 पीस यानी कि 300 ग्राम्स। इसको हम सबसे पहले वॉश कर लेंगे, तो मैं गर्म पानी से इसको वॉश करूँगी, सुधर के जो एक ऑप्सा स्मेल होता है वो चला जाए। तो गर्म पानी ऐड किया है, साथ ही थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद हम पानी इसमें से ड्रेन कर लेंगे और ये देखिए एकदम ड्राई सा हो गया है। उसके बाद हम इसको जो इसके अंदर जो स्टिक लगी रहती है ना, उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसको छोटे या बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, बट इसको बहुत ही ज़्यादा छोटे आप मत कट करिएगा, नहीं तो इसकी जो लेयर्स है ना वो खुल जाती हैं, फिर ये बिखर जाती हैं, वो अच्छे से बन नहीं पाता है। अब इसको हम करेंगे मैरिनेट। तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है लाइक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा ब्लैक पेपर की पाउडर ऐड किया है, और ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। उसके साथ ही ऐड करेंगे गरम मसाला। आप या तो गरम मसाला यूज़ कर ले, आप चिकन मसाला भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, लाइक 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको है ना हम थोड़े टाइम के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे, कुछ 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। हम मैरिनेटेड सोया चाप को इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सोया चाप को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डीप फ्राई नहीं भी करते हैं, इसको सैलो फ्राई आपको ज़रूर से करना है। अगर आप इसको फ्राई करते हैं तभी इसका जो लेयर्स है वो ओपन हो जाता है। आगे हम जब इसको ग्रेवी में पकाएंगे तब वो अच्छी तरह से सारे फ्लेवर एब्जॉर्ब कर पाता है, एंड इसका है ना टेक्सचर जो है और इसका टेस्ट सभी इन्हेंस हो जाता है। तो इसको आपको फ्राई ज़रूर से करना है। तो देखिए मैंने इसको उलट पुलट के ऑलमोस्ट जब ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तब तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में ले लिया है 1/2 कप जितना दही। उसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ काजू का पेस्ट। तो 8 से 10 काजू मैंने सोक करके रखा था, उसको पेस्ट बना करके ऐड कर दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून जितना हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप इसके जगह घर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा धनिया के पाउडर यूज़ करेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला यूज़ करेंगे। ब्लैक पेपर की जगह अगर आपके पास वाइट पेपर है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें कोई भी लम्प्स या फिर चंक्स नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें लगभग 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है, और जिसमें हम सोया चाप को फ्राई किए थे ना वही ऑयल यूज़ किया है। थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है मैंने साथ में। अब थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, लाइक 1 तेज़पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी लौंग, 2-3 इलायची, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है धनिया का जो स्टेम आता है ना उसको, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है और बहुत ही अच्छा कर देता है ये ग्रेवी के टेस्ट को। तो अगर आपके पास ये है तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जिंजर एंड ग्रीन चिली के पेस्ट ऐड कर दिया है। आप चाहें तो गार्लिक का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्लेम को एकदम लोएस्ट पे कर देंगे और ये वाला जो मिक्सचर हम बना के रखे थे दही वाला, उसको इसमें ऐड करेंगे और लो फ्लेम में ही आपको इसको अच्छी तरह से पकाना है और इसको कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहना है जब तक इसमें से बॉयल ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ गया है, ग्रेवी हमारा कुक होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी मैं यहाँ पर डाल करके इसका जो फ्लेवर है वो एडजस्ट कर देंगे और उसको थोड़े टाइम और कुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं और 2-3 मिनट, बिकॉज़ ये जो वाइट ग्रेवी है ना उसमें कुछ भी हमने उस तरह कच्चा नहीं डाले हैं जिसको पकने में टाइम लगेगा। ग्रेवी से ऑयल रिलीज़ हो गया है तो अब हम हॉट वाटर डाल करके इसका ग्रेवी का कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट कर देंगे। तो आपको जिस तरह से ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ग्रेवी में फिर से उबाल आ गया है
अब है ना हम जो बड़े बड़े खड़े मसाले डाले थे उसको हम निकाल देंगे, जैसे कि तेज़पत्ता, दालचीनी, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो धनिया के हमने स्टेम ऐड किया था उसको भी निकाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें फ्राई किया हुआ सोया चाप ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको एक मिक्स कर देंगे, फिर इसको हम कवर करके कुक कर लेंगे कुछ 4 से 5 मिनट तक। यहाँ पर 5 मिनट हो गया है तो आप ये देखिए इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया है और इसका है ना अंदर तक फ्लेवर चला गया है। ग्रेवी जो है ना इसने काफ़ी ज़्यादा सोक कर लिया है, तो बहुत ही सॉफ्ट मलाईदार एकदम हमारा ये सोया मलाई चाप बन करके तैयार हुआ है। इसको और फर्दर कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, गैस का फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारे सॉफ्ट एंड मलाईदार सोया मलाई चाप बन कर के तैयार हो गया है। इसको आप सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठा, नान, कुलचे वगैरह के साथ, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।